धीरे नॉटिंग करना ऊपर से सीमित करना है नॉटिंग इधर से ये कौन कर रहा है ना नॉटिंग प्लीज प्लीज दिवर सर सबको म्यूट कर दीजिए सर आवाज कर रहे बहुत ज्यादा आप अनम्यूट हो जाइए ये वीडियो ना बाद में ऐड कर देंगे आवाज नहीं आ रही इसकी हेलो अनम्यूट हो गई السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کریم کے نام سے آج کا دوسرا سیشن شروع کرتے ہیں میں سید فوزیہ قمر عباس آپ تمام شرکت گزار کا خیر مقدم کرتی ہوں ہمارے افسران صدور اساتذہ اور سب سے بڑھ کر ہمارے خوش نصیب طلبہ ان سب کے لیے a very happy good morning ایک روز روشن نصیب ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر علم کی سعادت بھی نصیب ہوئی جو کہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور میں آپ کی معلمہ سید فوزیہ قمر عباس رب کردگار کو راضی کرنے کے لیے اور حصول علم کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن متوجہ رہیں اور دل و دماغ سے آپ علم کو حاصل کریں کیونکہ ایسا کرنے سے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ دیر پا ہوتا ہے तो मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चे उठकर बैठें और अपने साथ तारीख की किताब का हिस्सा शहरियत निकाल लें अपने सामने उसे खोल कर रखें ताकि जो कुछ हम पढ़ेंगे वो आपके सामने भी मौजूद रहे तो जब आप इयादा करेंगे उसका सबक का तो आसानी से आपको तमाम अहम बातें तमाम इस्तेलाहात के मायने समझ में आ जाएंगे आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा शहरियत का पहला सबक है और जिसका उन्वान है हमारी सामाजिक जिंदगी सबसे पहले जानते हैं कि हमारी सामाजिक जिंदगी का जो सबक है वो हमारे शहरियत के हिस्से में क्यों दाखिल किया गया और इसमें कौन से ऐसे अहम बात हैं जिनको हम
इस सबक में पढ़ेंगे। तो आज के हमारी समाजी जिंदगी सबक के तदरीसी नुकात हैं, इंसान को समाज की जरूरत क्यों महसूस होती है, इंसान किस तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करता है, हमारी तरक्की किन बातों से मुमकिन होती है और समाज के मायने क्या होते हैं, इन तमाम नुकात पर हम बहुत ही तफसीली गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरा समझाया हुआ हर एक मतलब जो है वो आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों, अगर आप कुछ सालों पीछे चले जाएं, जैसे सुवंग का पंजुम, आपने माहौलियाती मुतालिया पढ़ा होगा या तारीख का कुछ हिस्सा जो उसमें आपने पढ़ा है, उसमें जरा याद करिए कि हमने क्या पढ़ा था पिछली जमातों में। तो उसमें तारीख में या माहौलियात में एक ही बात बताई गई थी कि इंसान जो था वो दौरे कदीम में किस तरह की जिंदगी गुजारता था और वो किस तरह से जंगलों में भटकता फिरता था, खाना बदोशी की जिंदगी वो गुजार रहा था। लेकिन वो क्या हमेशा ऐसे ही रहा? ऐसा नहीं हुआ। उसके अंदर धीरे धीरे तब्दीलियां आती गई जिसको हम कहते हैं इर्तिका। आप देख रहे हैं इर्तिकाई मरहलों से गुजर कर इंसान जो है वो अब एक अलग जिंदगी गुजारने के लायक हो गया है। अगर आप तीन तस्वीरों को गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि दौरे कदीम में इंसान किस तरह से जिंदगी बसर रहा था, उसके पास सहूलियात इतनी कम हुआ करती थी। उसके बाद जब दौरे वस्ता आया यानी दरमियानी जमाना आया तो फिर इंसान के रहन सहन में कुछ तरक्की हो गई, सहूलियात कुछ ज्यादा मुयसर हो गई और फिर उसकी जिंदगी थोड़ी और आसान हो गई। लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं, आपको स्क्रीन पर जो तीसरा कॉलम दिखाई दे रहा है तस्वीर, उसमें आप देखिए ये दौरे जदीद की है कि कितनी ज्यादा साइंस की तरक्की की वजह से हमारी जिंदगी को आसान बना दिया गया और इंसान के अंदर कितनी तब्दीली आ चुकी है। अब जो इंसान कभी जंगलों में भटकता फिरता था, खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहा था, वो कितना बदल कर आज के दौर में दिखाई दे रहा है। तो क्या ये इतनी जल्दी जल्दी हो गया? मोबाइल माइक ला। तो सवाल ये होता है कि इंसान को समाज की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्यों ऐसा हुआ कि वो जंगल को छोड़कर लोगों के बीच में रहना शुरू कर चुका, क्यों ऐसा उसने सोचा कि मुझे अब इस जिंदगी से अपने आप को दूसरी जिंदगी में तब्दील करना पड़ेगा। तो फिर उसको लोगों के साथ रहने की जरूरत महसूस हुई। समाज यानी हमारे आसपास रहने वाले लोग, चाहे वो हमारे खानदान के हों, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो हमारे मुल्क के लोग हों, चाहे वो कौम के लोग हों, तमाम से क्या बनता है? समाज। तो समाज में रहने का फायदा ये हुआ कि इंसान अपने आप को महफूज समझने लगा, क्योंकि जो वो जंगलों में रह रहा था तब उस वक्त वो महफूज नहीं हुआ करता था, लेकिन जब लोगों के दरमियान उसने रहना शुरू किया तो वो महफूज समझने लगा अपने आप को। जब उसको तहफ्फुज़ मिला और मिलजुल कर रहना उसने सीख लिया तो फिर उसने क्या किया, कुछ रिवायात कायम की, अखलाकी कदरें हो गई, कुछ उसूलों की जरूरत पेश आई, रस्म व रिवाज बनाए गए और कुछ कानून भी बनाए गए कि हमको समाज में किस तरह रहना है। इसकी हम बेहतरीन मिसाल ये ले सकते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमको बहुत सारे कानून और जवाबत पर अमल करना होता है। तो ऐसे ही अगर हम समाज में बिना किसी रिवायत के, बिना किसी उसूल के रहेंगे तो हमारी जिंदगी खुशहाल नहीं गुजरेगी। तो हमको इन तमाम चीजों की जरूरत पेश आएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब हमारा सवाल जो आपको सेशन होगा तो आपको इन तमाम बातों के बारे में इल्म होना चाहिए, आप सही सही जवाब दे सकें। इसलिए आप पूरे ध्यान से स्क्रीन को भी देखें और साथ ही साथ जो मैं आपको समझा रही हूँ उसको भी अपने जहन में रखें। तो ये तमाम बातें इंसान ने क्या की, अपने समाज में
शुरू की कि इन तमाम बातों से क्या हो जाएगा, समाजी जिंदगी एक बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और बहुत ही सुकून के साथ होगी। तो ये हमारी जरूरत थी समाज में इंसानों को रहने की, एक महफूज जिंदगी के लिए। अब देखिए दूसरा सवाल ये होता है कि इंसान किस तरह के लोगों में रहना पसंद कर रहा था, या अब हम कैसे लोगों के दरमियान रहना पसंद करते हैं। तो देखिए हमको कैसी जिंदगी पसंद है, इज्तिमाई जिंदगी पसंद है, यानी मिलजुल कर सबके साथ अगर हम रहते हैं तो हमको खुशी मिलती है बहुत। लेकिन क्या सिर्फ खुशी रहना जरूरी है? नहीं, इस खुशी के साथ साथ हमको एक और अहम बात पर ध्यान देना है, और वो कौन सी बात है कि जब हम जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो आप जैसे सबको पता है कि हमारी जिंदगी गुजारने के लिए हमारी बुनियादी जरूरतें क्या क्या हैं। हमारी सबसे पहली बुनियादी जरूरत है ग़िज़ा, जो खाते हैं हम, जिसकी वजह से हमारी सेहत रहती है, हम बहुत सारे काम करने लायक रहते हैं। और दूसरी चीज है लिबास, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। दूसरी और इसके बाद जो है वो है मकान, जो हमको सर्दी गर्मी बरसात से बचाता है, हमको तहफ्फुज देता है, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं। तो इन तमाम चीजों के साथ साथ अगर हम अपने समाज में रह रहे हैं तो समाज में रहने पर खुशी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ हमको दो बातें और भी जरूरी लगती हैं, और वो क्या है कि हमको एहसास भी होना चाहिए, हमारे अंदर जज्बात होने चाहिए दूसरों के बारे में समझने के लिए। इसलिए कि देखिए जब हम गमगीन होते हैं तो भी हमको ऐसा लगता है कि कोई हो जो हमारे दुख को बांट ले, अकेलापन महसूस होता है। और अगर खुश होते हैं तो चाहते हैं कि ये खुशी किसी से शेयर की जाए, किसी के साथ मिलकर ये खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। तो जहनी और जज्बाती भी हमारी जरूरतें होती हैं, वरना इंसान अगर तन्हा रहेगा तो वो फिर खुश नहीं रह सकेगा। तो खुशी हासिल होने के लिए और गम को शेयर करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? खानदान के अफराद की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, सहेलियों की सोहबत हमें अच्छी लगती है। इनके साथ रहना, इनको अपनी बातें बताना, इनके साथ खेलना, इनकी बातें सुनना, इनके घर आना जाना, ये तमाम बातों से क्या होता है हमको बहुत सुकून महसूस होता है, और साथ ही साथ जो हमारे गम और फिक्र होते हैं वो भी कम होते जाते हैं। तो दोस्तों और सहेलियों का, आपकी उम्र के हिसाब से दोस्तों और सहेलियों का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी जिंदगी में, इनका बहुत ज्यादा असर होता है आपकी जिंदगी पर। आप बहुत सी ऐसी बातें जो है माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दोस्तों और सहेलियों से शेयर कर लेते हैं। तो ये चीजें जो होती है वो हमारे समाज को और बेहतर बनाती हैं। तो इस तरह से ये हमारी बुनियादी जरूरतों के साथ साथ हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान के अफराद, दोस्त और सहेली भी हमारे साथ रहना जरूरी है। अब देखिए ये कुछ जरूरतें तो थी हमारी, लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की ये बुनियादी जरूरतों में इजाफा होता गया। पहले तो क्या था, सिर्फ ग़िज़ा, लिबास और मकान हुआ करते थे, लेकिन जैसे तरक्की होती चली गई, दौरे जदीद में हम आ गए तो हमारे बुनियादी जरूरतों में तालीम को भी शामिल किया गया और साथ ही साथ सेहत को भी शामिल किया गया, क्योंकि तालीम तो आज की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है। इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर वो चांद और मरीख पे जा रहा है तो तालीम के बिना तो ये पॉसिबल है नहीं। और साथ ही साथ अगर इंसान सेहतमंद रहेगा तो वो तालीम भी अच्छी हासिल करेगा। तो आज की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो ग़िज़ा है, लिबास है, मकान है, तालीम है और सेहत है। इन तमाम की वजह से जो हमारे समाज के अफराद हैं और जो हमारी जिंदगी है वो बाइज्जत हो जाती है और आसान हो जाती है, क्योंकि ये तमाम जो खिदमात और सहूलियात हैं इनकी बिना पर हम बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये तमाम चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? समाज से मिलती हैं। तो फिर समाज ने एक अहम रोल और अदा किया। क्या अदा हुआ वो रोल कि जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, लोग बढ़ते चले गए, तो बहुत सारे पेशे वजूद में आए। देखिए कोई टेलर का पेशा होता है, दर्जी का,
कोई इमारत साजी करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई शेफ बनता है खाना पकाने के लिए, कोई पायलट बनता है, कोई टीचर बनता है। तो तरह तरह के पेशों की, और साथ साथ जैसे पेशे बढ़ते चले गए वैसे ही सनतें भी बढ़ती चली गई। यानी बहुत सारी फिर कंपनी भी खुल गई, बहुत सारी मिले फैक्ट्रियां भी खोली गई, क्योंकि ये तरक्की याफ्ता समाज के जरूरियात में शामिल था। तो जैसे यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि अगर मिसाल दी गई है कि अगर पढ़ाई करने के लिए किताब की जरूरत होती है तो किताब के लिए हमको कागज चाहिए होता है, तो कागज कहाँ से मिलेगा? तो कागज के लिए हमको जाना पड़ेगा जंगल में, और वहां पे लकड़ियों से आजकल तो कागज बनाए जा रहे तनों के से, तो कागज साजी जरूरी होती। देखिए उसमें कौन कौन से मरहले शामिल होते हैं, किस किस तरह से कागज को तैयार किया जाता है, फिर तबात होती है यानी जिल्द साजी भी होती है। इस तरह से एक मैंने मिसाल आपको दी कि अगर एक किताब तैयार करना होता है तो उसको कितने सारे मरहलों से गुजर कर फिर किताब की सूरत दी जाती है। तो इन तमाम मरहलों से गुजरने के लिए मुख्तलिफ सनतों की जरूरत पेश आई, और ऐसे बहुत सारे सनतों की तरक्की हुई और समाज में इसने बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इस तरक्की में समाज को बहुत आसानी होती चली गई और हमारी जरूरतें ये सनतें पूरी करने लगी। तो इस तरह से पेशों की वजह से भी हमारी जरूरतें पूरी हुई, और जो सनतें लोगों ने शुरू की उससे भी हमारी जरूरतें पूरी होने लगी। जब ये जरूरतें हमारी पूरी होने लगी तो हमारी सलाहियतें भी बढ़ने लगी, हमारे अंदर जो हुनर है वो भी बढ़ने लगे, उनमें भी इजाफा होने लगा। तो जब समाज में बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगती है, यानी जब हमको गिजा लिबास मकान सेहत तालीम और उसके साथ साथ पेशे और सनतें हमारे दरमियान जब मौजूद हो जाती हैं, तो फिर हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें पैदा होती हैं, और फिर उस सलाहियतों की वजह से हमको बहुत सारी हौसला अफजाई मिलती है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग हमारी तारीफ व तहसीन करते हैं, और इस तरह से जब हम एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं इन तमाम बातों की वजह से, तो हम ये फैसला कर सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हम एक दूसरे पर मुनहसिर है। यानी हमारी समाजी जिंदगी हम तन्हा नहीं गुजार सकते, बल्कि हमारी समाजी जिंदगी गुजारने के लिए, लोगों के दरमियान मिलजुल कर रहने के लिए हम एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। तो देखिए ये आपने अभी बात को समझा कि जब हमारे अंदर इन तमाम बातों से सलाहियतें पैदा होती हैं, हुनर पैदा होते हैं, और फिर हमको बहुत सारे मौके मिलते हैं अपने इन सलाहियतों को उजागर करने के लिए। तो देखिए इसके बाद हम अगर देखेंगे कि हम तरक्की करने के लिए क्या करते हैं, तो तरक्की करने के लिए सबसे पहले हमारे पास बहुत सारी जो खूबियां और सलाहियतें हैं उनको हमको किसी के सामने जाहिर करना होता है। तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? अपने ख्यालात के इजहार की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए हमको जबान बोलने आनी चाहिए। तो जब हम पैदा होते हैं उस वक्त जब छोटे से बड़े होते हैं तो घर में जो बोली बोली जाती है वो हम सीखते हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, फौरन नहीं। तो इब्तिदा में हम घर में बोली जाने वाली जबान सीखते हैं, फिर उसके बाद हम आस पड़ोस के लोगों की जबानें भी सीख लेते हैं, फिर उसके बाद सबसे अहम मौका आता है मुख्तलिफ जबानें सीखने का। मुख्तलिफ जबानें हम कहाँ सीखते हैं? सबसे अहम जगह जो है, अहम मौका हमको मिलता है वो है हमारा स्कूल, जहाँ हम हिंदी भी पढ़ते हैं, देखिए मराठी भी पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी उर्दू भी, तो ऐसी हमको बहुत सारी जबानें सीखने का मौका मिलता है। तो ये भी हमारा एक समाज है जो हमको बहुत सारी जबानें सिखा देता है। तो ऐसे हमारी तरक्की होती चली जाती है। तो जब हम तरक्की करते हैं तो एक बात आपने गौर की होगी कि हर एक के सोचने की समझने की सलाहियत अलग होती है। मिसाल ले लीजिए कि अगर आपको कहा गया, एक उन्वान दिया गया कि
अगर मैं वजीर आजम होता इस पर एक मजमून लिखिए, तो क्या सारे बच्चे एक जैसा मजमून लिखते? नहीं। जब हम देखते हैं उनको पढ़कर, तो हर एक कॉपी में हमको कुछ अलग अलग जुमलों का नजारा मिलता कि लोगों के ख्यालात किस तरह से अलग अलग हैं और वो उसको अपने जुमलों में ढाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, हर एक की सोचने की सलाहियत, अपने ख्यालात पे इजहार करने की सलाहियत अलग अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। तो हमारी जज्बाती सलाहियतें और कुव्वत फिक्र में समाज की वजह से इजाफा होता है। समाज इसमें एक अहम रोल अदा करता है कि हम अलग कुछ सोचें, अलग कुछ समझें, अपनी बातों को कुछ अलग तरीके से समझाएं और अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए बहुत सारे मौके हम तलाश करते हैं, फिर हम अपने जज्बात को जाहिर भी करते हैं। तो जब इंसान तरक्की करता है समाज में रह के, तो फिर उसके अंदर मैंने आपको बताया बहुत से फन आते हैं, फनून जिसकी जमा है, फन की जमा है फनून, और बहुत सारी खूबियां उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी खूबियों को जाहिर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से गाने गाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो साइंसदान बन जाते हैं। अब उनके ख्यालात अलग होते हैं, उनको मौसीकी में या उनको गाना गाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, उनका जहन कुछ अलग सोचता है, तो वो साइंसदान बनते हैं। कुछ को इंटरेस्ट होता है पेंटिंग करने में, तो वो अपने ख्यालात के इजहार अपनी तस्वीरों को बनाकर करते हैं। कुछ लोगों को समाज में बहुत से लोगों की खिदमत करने का जज्बा पैदा होता है, उनके जहन में होता है कि मैं गरीबों की मदद करूं, बीमारों की मदद करूं, है ना, बेघर लोगों की मदद करूं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो खिदमत गुजार बन जाते हैं। अब इसके अलावा बहुत से लोग जो होते हैं वो मुहिमजू होते हैं। देखिए, मुहिमजू यानी बहुत मुश्किल काम को अंजाम देने का उनके अंदर हौसला होता है कि जो काम आम लोग नहीं कर सकते वो हम करके दिखाएंगे। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के गौर व फिक्र में, जज्बात में, एहसासात में, ख्यालात में जब कोई चीज अलग होती है दिमाग में, तो फिर वो इस काम को भी सर अंजाम दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मुहिमजू होते हैं, बहुत मुश्किल से मुश्किल काम, इतनी बर्फीली पहाड़ी और उसकी बुलंदी को इतना मुश्किल होता है चढ़ना, लेकिन ये काम वो लोग कर लेते हैं। यानी इन तमाम के अंदर ये अलग अलग खूबियां पाई जाती हैं, ये इनके फन है। अब इन को तरगीब देने के लिए, इनको मशहूर करने के लिए किसी जरूरत होती है, फिर से समाज की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं समाज, समाज हम इतनी बार सुन रहे हैं ये लफ्ज, तो आखिर समाज के मायने होते क्या हैं? तो देखिए, आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, समाज माशरे को कहते हैं, इंग्लिश में हम कह सकते हैं इसको सोसाइटी। तो समाज का मतलब होता है माशरा। अब समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरत हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, छोटे लड़के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ये तमाम से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। और अगर समाज की हम छोटी सी मिसाल देखना चाहें तो हम अपने घर में देख सकते हैं कि हमारा जो खानदान है वो समाज का एक हिस्सा है, जूज है ये हमारा खानदान। तो समाज में मुख्तलिफ ग्रोह होते हैं, अदारे होते हैं, तंजीमें होती हैं, लोगों में बाहमी ताल्लुक, आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, आपस में कारोबार करते हैं, बहुत सारे तबादले ख्यालात होते हैं। तो इसमें हमको समाज बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए, ये आपको अलग अलग तरीके के समाज दिख रहे हैं, लेकिन ये समाज अलग अलग ग्रोह में नहीं रहते, बल्कि फिर इनका एक दूसरे से रिश्ता होता है, एक दूसरे से ये लेन देन करते हैं, बहुत सारी बातें आपस में ये शेयर करते हैं, बहुत सारे कारोबार आपस में करते हैं। तो इस तरह से हुजूम या ग्रोह का मतलब समाज नहीं होता, बल्कि एक मकसद को पूरा करने के लिए जब लोग जमा होते हैं तो वो हमारा समाज बनता है। ये हमारे हिंदुस्तान का आप अगर देखेंगे कल्चर, हमारी हिंदुस्तानी तहजीब को देखेंगे, तो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब रंगारंगी है, यानी बहुत अलग अलग मजहब के लोग हैं, अलग अलग जबानें बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर ये क्या करते हैं, इनका मकसद क्या होता है? मुल्क की तरक्की। तो फिर ये आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और
इस तरह से समाज को फरोग मिलता है, तरक्की मिलती है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गिजा, लिबास, मकान और तहफुज, यानी इंसान एकदम अपने आप को महफूज समझे, तो इससे जो होता है, जो समाज बनता है, वो समाज जब बन जाता है इन तमाम बातों की मदद से, तो फिर समाज के अंदर हमको कुछ निजाम बनाने पड़ते हैं। निजाम बनाया, कैसे बनाया? जैसे हमने देखा कि 26 जनवरी को हमारा हिंदुस्तान का कानून नाफिज हो गया था, हम हर साल 26 जनवरी को उसकी सालगिरह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि कानून हिंदुस्तानियों पर नाफिज कर दिया गया था। तो इसी तरह से समाज के अंदर भी हमको क्या करना है, कुछ उसूल बनाने हैं, कुछ निजाम होना जरूरी है। जैसे हम आपको बता दें कि गिजा की जरूरत पूरी करने के लिए खेती बाड़ी की जरूरत होती है, तो आप खेती बाड़ी से मुतालिक जितने भी काम हैं, वो मुख्तलिफ अदारे करेंगे। अब उनको कायम करना भी जरूरी है। जैसे सबसे पहले किसानों को अगर कर्ज लेना है तो उनके लिए बैंक का बनाना जरूरी है, फिर उनका जो उगाया हुआ अनाज है उसके लिए मंडी यानी बाजार जरूरी है, उसके इंतजाम करने जरूरी है। इस तरह से बहुत सारे उनके जैसे ज़राअत के औजार हैं, उनकी बहुत सारी चीजों की जरूरियात है, वो पूरी करनी जरूरी है। तो इन तमाम को देखना पड़ेगा और ये तमाम काम एक निजाम होगा जो देखेगा। तो इस तरह से अगर हम हर चीज का ख्याल रखेंगे तो हमारा समाज जो है वो मुस्तहकम और पायदार बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का सबक कि हमारी समाजी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको समाज का मतलब समझ में आया होगा। तस्वीर पे आप देख रहे हैं कि समाज बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है और वो तमाम लोग हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब आइए, अगर आपने इसको समझ लिया है तो हम देखते हैं इन शॉर्ट कि आज हमने इसमें क्या सीखा। इस सबक का खुलासा अगर हम देखना चाहें शॉर्ट में मुख्तसरन, तो हम क्या समझ सकते हैं? तो देखिए, पहला पॉइंट है कि समाजी जिंदगी हमारे लिए यानी इंसानों के लिए अहम चीज है बहुत। दूसरा, रोजमर्रा की जिंदगी के काम बेहतर तरीके से अंजाम हो, इसलिए कवानीन होने चाहिए, अखलाकी कदरें होनी चाहिए और ऐसी बहुत सारी बातों की जरूरत होती है। उसके साथ में खानदान, रिश्तेदार, दोस्तों और सहेलियों का साथ भी जरूरी होता है हमको जिंदगी जीने के लिए। फिर आगे हम अगर बढ़कर देखें तो गिजा, लिबास, मकान, तालीम और सेहत, ये हमारी बुनियादी जरूरतें हैं आज के दौर की, तो ये हमारे साथ बहुत जरूरी हैं। इसके बाद हमारी समाजी जिंदगी हम तन्हा नहीं गुजारेंगे बल्कि हम एक दूसरे पर मुनहसिर रहेंगे। एक दूसरे पर मुनहसिर रहना यानी एक दूसरे के साथ से हम समाजी जिंदगी को आसान और अच्छी बना सकते हैं। फिर इन समाजी जिंदगी की वजह से, तरक्की की वजह से इंसान में बहुत सारे फुनून और खूबियां जो मौजूद होती हैं वो फिर लोगों के सामने आती हैं और उनकी तरक्की होती जाती है। समाज उनकी तारीफ और तहसीन करता है, उनकी शोहरत होती है और इस तरह से वो हमारे समाज का हिस्सा होते हैं। और हमारा खानदान जो है वो समाज की बेहतरीन मिसाल है, ये समाज का एक छोटा सा है। इसके बाद समाज के वजूद को बरकरार रखने के लिए समाज के काम तमाम तरीके से अच्छी तरीके से चले, बहुत ही बेहतर निजाम चले, इसके लिए एक निजाम की जरूरत होती है जो बहुत ही जरूरी है। ये था आज का खुलासा। तो आइए बढ़ते हैं। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपने इस सबक को गौर से सुना, समझा है, तो आप जवाब किस तरह से देंगे। देखिए बच्चों, जवाब एक साथ चिल्लाकर नहीं देंगे। कोई एक अपना माइक खोलेगा और एक बच्चा जवाब देकर अपना माइक दोबारा बंद कर देगा ताकि दूसरे बच्चे को दूसरे सवाल में मौका मिले। इस तरह से हमारा सवाल जवाब का सेशन कामयाबी के साथ गुजरेगा। तो मैं चाहती हूँ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, नज्म और ज़ब्त के साथ हम कुछ सवाल को हल कर लें। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक लफ्ज में सिर्फ जवाब देना है। गिजा, लिबास और मकान, ये इंसान की कैसी जरूरतें हैं? हमारी ये बेशुमार जरूरतें होती है।
नहीं देखिए, गौर करिए आप फिर से, घर में रहते लिबास और मकान। हाँ कैसी जरूरत है, इनको हम क्या कहते हैं, गिजा लिबास और मकान को कैसी कैसी है। अहम तस्वीर के नीचे आपने देखा नहीं था, इसका मतलब गौर से तस्वीर के नीचे क्या लिखा था, गिजा लिबास और मकान के हमारी कौन सी जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें हैं। इसके बगैर जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बुनियादी जरूरत किसको कहते हैं, जो बहुत जरूरी हो, जिसके बगैर इंसान की जिंदगी नामुमकिन हो जाए। तो गिजा उसके लिए जरूरी होती है, लिबास और मकान, तो ये बुनियादी जरूरतें कहलाती हैं। अब गौर से सवाल नंबर दो को पढ़िए, हमारी कौन सी जिंदगी एक दूसरे पर मुनहसिर होती है। हमारी सामाजिक जिंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। हमारी सामाजिक जिंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है, यानी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ही हमारी जिंदगी सामाजिक जिंदगी कहलाएगी। सवाल नंबर तीन है, आपस में गुफ्तगू करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं। आपस में गुफ्तगू करने के लिए हम दोस्त, सहेलियां, रिश्तेदार, हम बोलना होता है ना, अपनी तमाम लोगों से बात करनी होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं, जुबान का सहारा लेते हैं। वेरी गुड। अब आइए हम नए सवाल की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, नया सवाल देखते हैं हम कि मर्द औरत, बूढ़े जवान, लड़के लड़कियां और बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं। मर्द औरत, बूढ़े जवान, लड़के लड़कियां। अभी मैंने आपको बड़ी सी तस्वीर दिखाई थी ना, जिसमें बहुत सारे लोग बच्चे मिलकर समाज बनाते हैं। वेरी गुड। ये तमाम समाज में शामिल होते हैं, इन तमाम से ही समाज तैयार होता है। चलिए आगे के सवाल भी देखिए, भारत के कानून के मुताबिक सब इंसान कैसे हैं? क्या सब में अमीर गरीब में फर्क है, कैसे हैं सब एक जैसे को हम क्या कहते हैं, बराबर। बराबर। भारत जो कानून तैयार हुआ है उसमें मर्द हो या औरत हो, गरीब हो या अमीर हो, ऊंची जात का हो या निचली जात का हो, है ना, चाहे वो जंगल में रहता हो चाहे वो शहर में रहता हो, कानून के मुताबिक सारे इंसान बराबर होते हैं। अब आइए, सही है गलत, बहुत आसान होता है ये और आप लोग बहुत इंटरेस्ट से करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले सवाल को समझें और उसके बाद जवाब दें, फौरन जवाब ना दें। देखिए, हमारी कुछ जज्बाती और जहनी जरूरतें भी होती हैं, सही है सही, सही, सही। आश, वेरी गुड, सही होती है, जरूरी है। जहाँ गिजा लिबास और मकान जरूरी है, वहीं पर जज्बात और जहनी ख्यालात को भी शेयर करना जरूरी होता है। फिर देखिए सवाल नंबर दो, हमें खानदान, दोस्तों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, सही है या गलत? गलत, गलत, गलत। अच्छा लगता है हमको, अच्छा लगता है हमें। सवाल नंबर तीन देखिए, तालीम और सेहत की सहूलियात की वजह से हम बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं, सही है या गलत? सही। शाबाश, सही है। सवाल नंबर चार, स्कूल में हम मुख्तलिफ जबाने सीखने का मौका हमें नहीं मिलता, सही है, हमें अलग अलग जबाने सीखने का मौका मिलता है स्कूल में। हाँ तो यहाँ लिखा हुआ है नहीं मिलता, इसका मतलब ये तो गलत है, गलत गलत है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे से आपने सबक को समझा है। अब मैं आपको ये घर काम दे रही हूँ, देखिए आपकी तस्वीर स्क्रीन पर दिख रही है कि घर काम है, आपको ये करना है कि अगर ड्राइंग के मुकाबले में आपको पहला इनाम मिला है तो आपके पास ऑप्शंस है कि आप इसे अपने पास ही रखेंगे या अपने दोस्तों को, सहेलियों को दिखाएंगे, और उनके रद्द अमल के बाद आपको कैसा महसूस होगा, तारीफ सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी तस्वीर बनाने का हौसला मिलेगा,
और इसके बारे में आपको चंद जुमले लिखना है कि आपने क्या महसूस किया। तो ये आपका घर काम है आज का। और दूसरा घर काम है कि जब हम सुबह जागते हैं तो जागने के बाद हमको बहुत सारी चीजों की जरूरत पेश आती है ना, तो उन चीजों की जरूरत के लिए आपको एक फहरिस्त बनाना है कि सुबह बेदार होने के बाद आपको जिन चीजों की जरूरत पेश आती है उनकी एक फहरिस्त बनाइए। मालूम कीजिए कि इनमें से कम से कम 5 चीजें बनाने में और आप तक पहुंचाने में किन किन लोगों का ताउन शामिल होता है। अब इसके लिए मैं आपको एक इशारा भी दे दूं मदद के लिए कि देखिए सुबह में सबसे पहले जब हम जागते हैं तो हमको चाय पीने की तलब होती है, हमको ऐसा लगता है कि हम चाय पिए फिर साथ में हम नाश्ता भी करें। तो इन तमाम चाय और नाश्ते के लिए जो चीजें हमको फराहम